सब्सक्राइब कीजिए माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन बटन पे नई अपडेट्स पाने के लिए। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर नीलेश वाला और आज हम पढ़ने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय यूजिंग वुडवर्ड फिशर रूल्स। तो अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं माय स्मार्ट क्लास चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये एक डेटा टेबल में आपको जो दिखा रहा हूँ ये आपको स्टैंडर्ड डेटा टेबल है और मैं आज जो सिखाने वाला हूँ वो लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन फॉर द डाइन्स एंड इनॉन, बराबर। तो पहले ये खास देख लीजिए कि मैं किसके लिए सिखा रहा हूँ, डाइन्स एंड इनॉन्स के लिए। और इसके लिए ये टेबल है जिसमें देखो डेटा कितने हैं। होमोन्यूलर डाइन के लिए वैल्यू दी है 253 नैनोमीटर, हिट्रोन्यूलर डाइन के लिए 214, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए है 30 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए है 5 नैनोमीटर, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए है 5 नैनोमीटर, रिंग रेसिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर। तो हमको क्या देखना है, कितने डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने, इनके नंबर यहाँ लिखने हैं और मल्टीप्लाई बाय ये करना है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे और बाद में सबका समेशन। ये दोनों में से मैं सिर्फ एक ही होगा आपका डाइन, लेकिन मैंने ये जनरलाइज टेबल लिखा है इसलिए आपको ये देखना है। मैं आपको वन बाय वन सब सिखा रहा हूँ कि ये सब क्या है, होमोन्यूलर डाइन क्या है, हेट्रो क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू क्या है, वो सब डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। तो चलो पहले देखते हैं होमोन्यूलर डाइन। तो होमोन्यूलर डाइन किसको बोलते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम लैम्डा मैक्स डाइन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डाइन मतलब जब दो डबल बॉन्ड हो उसको हम डाइन बोलते हैं, और हमारे लिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बहुत ही ज़रूरी है। हम ये ऐसे बात करें कि अगर एक ही रिंग में दो कॉन्जुगेटेड डाइन हो, बराबर, दो डबल बॉन्ड हो, तो हम उसको बोलेंगे होमोन्यूलर डाइन। देखो ये जो एग्जांपल दिख रही है, जो मैंने बोल्ड करके दिखाया है वो हमारी डाइन सिस्टम है। देखो ये एक डबल बॉन्ड और एक दूसरा डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है। देखो ये रिंग में है, तो इसलिए हम इस टोटल डाइन को, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, होमोन्यूलर डाइन। और होमोन्यूलर डाइन की वैल्यू होती है, बेस वैल्यू उसकी होती है 253 नैनोमीटर। यहाँ पे भी देखो ये जो है मेन अल्काइल, सॉरी ये जो दिख रही है वो मेन अल्काइल चेन है, और ये बोर्ड अल्काइल चेन में दिख रहा है ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दोनों क्या है, ये एक ही रिंग में है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, होमोन्यूलर डाइन। सेम हियर, दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में, तो ये भी हुआ होमोन्यूलर डाइन। ये डबल बॉन्ड दोनों एक ही रिंग में, होमोन्यूलर डाइन। सेम हियर और ये भी यहाँ। तो ये सब जो सारे एग्जांपल है वो होमोन्यूलर डाइन के, उसकी बेस वैल्यू है 253 नैनोमीटर। अब आगे बात करके हिट्रोन्यूलर डाइन, तो जो होमो में हुआ उसका अपोजिट ही होगा। तो चलो वो क्या है, टू डबल बॉन्ड्स आर विच आर नॉट प्रेजेंट इन दी सेम रिंग। तो देखो ये दिख रहा है, ये जो बोल्ड में जो मैं दिखा रहा हूँ ना वो हमारा क्या है, मेन डाइन सिस्टम। तो देखो ये डबल बॉन्ड ये एक रिंग में है और ये डबल बॉन्ड ये दूसरी रिंग में। सेम यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड एक अलग रिंग में है और ये दूसरी रिंग में। सब जगह पे आप दिख रहे हो दोनों डबल बॉन्ड क्या है, सेपरेट रिंग में, दोनों एक रिंग में नहीं है। तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे हिट्रोन्यूलर डाइन के, और हिट्रोन्यूलर डाइन की बेस वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर। तो आपको दो ही ऑप्शन हो गए, शायद होमो दिया होगा, दो ही ऑप्शन हो गया आपको कि शायद होमो दिया होगा या हिट्रोन्यूलर डाइन दिया होगा। लेकिन जब ऐसा कोई एग्जांपल आए जिसमें होमो और हिट्रो दोनों हो तब क्या करेंगे, तो उसके बारे में अभी देखते हैं। सो वेन एवर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमो एंड हिट्रोन्यूलर डाइन, तब हमें उसको होमोन्यूलर डाइन ही लेके आगे चलना है। तो देखो यहाँ पे दिया है ना, इसमें देखो ऐसे देखने जाएंगे तो ये हीट्रो हुआ, लेकिन यहाँ पे देखे तो होमो, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे, होमोन्यूलर डाइन। और बेस वैल्यू कितनी लेके, 253 नैनोमीटर। सेम यहाँ पे भी देखो होमो और हीट्रो का कॉम्बिनेशन, तो इसको भी क्या लेके, होमो, इसको भी होमोन्यूलर डाइन। ये भी देखो जो बोल्ड दिखा रहा हूँ ना वो हमारी मेन चेन है, डाइन चेन, कॉन्जुगेटेड डाइन चेन। हमें कॉन्जुगेशन पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं। देखो ये में ये भी देखो, ये दोनों देखने जाएंगे तो लगेगा क्या है, हिट्रोन्यूलर डाइन, बट ये देखो होमो हो गया, यहाँ पे भी सेम हो। तो ये सब एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ
होमो एंड हिट्रोन्युलेडाइन, तब हमें कंसिडर क्या करना है, होमोन्युलेडाइन, और बेस वैल्यू लगे 253 नैनोमीटर। ये था बेस वैल्यू के बारे में। तब हम इंक्रीमेंट के बारे में जानेंगे। तो इंक्रीमेंट में पहले हम लेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। हम जानते हैं किसके बारे में लैम्डा मैक्स फाइंड कर रहे हैं, डाइन के बारे में। तो डाइन में दो डबल बॉन्ड होते, तब जो भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा, जो भी बॉन्ड होगा एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के अलावा, दो डबल बॉन्ड के अलावा, उसको कहेंगे हम डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो देखो ये सब में दिख रहा है आपको कि दो बॉन्ड तो हमें चाहिए थे, लेकिन ये तीसरा एक्स्ट्रा है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। यहाँ पे भी दो बॉन्ड चाहिए लेकिन एक तीसरा है, तो ये भी हुआ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। सेम हियर, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे दो है और ये तीन एक्स्ट्रा। जो भी बॉन्ड इंडिकेट किया है वो हमारी मेन डाइन चेन है, ये मत भूलना। अगर आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई वे से समझना चाहते हो तो जितने डबल बॉन्ड हो उसमें से दो माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। लेकिन कंडीशन है वो सारे डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। ओके, मीन्स एक्स माइनस टू, एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, उसमें से दो माइनस कर दोगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, उसकी बेस वैल्यू है 13 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बारे में। तो वो ऐसा डबल बॉन्ड है कि जो इसका एक कार्बन एक रिंग का पार्ट हो लेकिन दूसरा कार्बन उस रिंग का पार्ट ना हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो हम ये इस ए रिंग के बारे में बात करें तो ये डबल बॉन्ड का ये कार्बन ये इस रिंग का पार्ट है लेकिन ये कार्बन इस रिंग का पार्ट नहीं है, तो ए रिंग के लिए ये स्मॉल ए जो लिखा है वो क्या हुआ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो इसके जैसा ही सेम टू सेम, यहाँ पे भी देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड का ये कार्बन इस रिंग का पार्ट है लेकिन ये कार्बन ये रिंग का पार्ट नहीं है। तो ये सब मैंने एग्जांपल जो बोल्ड किए हुए वो सारे के सारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। कैपिटल जो में लिखे लेटर्स वो बता रहे हैं रिंग और स्मॉल में दिए गए हैं वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। चलो इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये ए रिंग के पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है जिसका एक कार्बन इसका पार्ट है रिंग का और ये रिंग का नहीं है, तो ये स्मॉल ए डबल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ ए रिंग के लिए। अगर बी रिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है और ये कार्बन इस रिंग का पार्ट है लेकिन ये कार्बन इस रिंग का पार्ट बी रिंग का पार्ट नहीं है। बी रिंग के लिए ये स्मॉल बी क्या हुआ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कि ये कार्बन इस रिंग बी रिंग का पार्ट है लेकिन ये वाला कार्बन इसका पार्ट नहीं है। सेम हियर सी रिंग के बारे में बात करें तो उसके लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, बरा ये कार्बन इस रिंग का पार्ट है लेकिन ये कार्बन इस सी रिंग का पार्ट नहीं है। सबके सब एग्जांपल में आप देखो ऐसे समझाया है। तो मैं आपको जनरलाइज वे बता देता हूँ कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या होती है। तो नियरर ब्रिज में होगी, देखो ये ब्रिज दिख रहा है आपको, तो ये पॉसिबल वेज है जो डॉट लाइन में दिखा है ना, डॉटेड लाइन में, दैट आर द पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और उसकी वैल्यू है प्लस 5 नैनोमीटर। अब बात करें कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, वो समझना बहुत ईजी है लेकिन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेसिड्यू मिक्स ना हो जाए क्योंकि वो दोनों सेम जैसा ही लगते हैं लेकिन है अलग, थोड़े से अलग है, वैल्यू दोनों के सेम है। तो हमें पहले मेन हमारी डाइन चेन देखनी है और उसमें से जो ब्रांच होती हो लेकिन वो रिंग का पार्ट ना हो उसको बोलेगी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। सब में देखो ये मैंने मेन चेन डिसाइड की और उसमें से जो ब्रांच निकल रही है जो रिंग का पार्ट ना हो उसको बोलेगी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। सब में देख लीजिए जो बोल्ड दिया गया है वो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू है 5 नैनोमीटर। ध्यान रखो कि ये जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो ब्रांच होनी चाहिए लेकिन रिंग का पार्ट नहीं होनी चाहिए, जबकि रिंग रेसिड्यू की बात करें तो रिंग रेसिड्यू में भी वो ब्रांच ही है लेकिन वो क्या होगी, रिंग का पार्ट होगी। देखिए ये रिंग का पार्ट है, ये भी रिंग का पार्ट है, ब्रांच ही है, हमारी मेन डाइन चेन की ब्रांच है लेकिन वो रिंग का पार्ट है। तो इस केस में देखो ये रिंग रेसिड्यू वाला लेकिन ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इसलिए मैंने बोल्ड करके रखा है, जो बोल्ड किया हुआ है वो रिंग रेसिड्यू है और ये जो ब्रांच में से ये जो मेन चेन में से निकल रहा है ये ब्रांच ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हुआ लेकिन ये रिंग रेसिड्यू, हमें हर एक इंडिविजुअल कार्बन में जाके देखना है और उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू है 5 नैनोमीटर। तो इन सब से हमें ये पता चला कि ये डेटा टेबल है तो सबकी बेस वैल्यू मैंने बता दी है, होमो एल्यूनर की है 253, हिट्रो की 214,
डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के 30 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 नैनोमीटर, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू दोनों की भी है 5 नैनोमीटर। तो ये जो टेबल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो आपको याद रखना है और ऐसे ही उसमें लिख के आगे जाना है। अब थोड़े के दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये कोलेस्टा 3,5 डाइन, ये कौन सा डाइन है, होमो या हिट्रो? ऑफ कोर्स हिट्रो एनुलर डाइन। तो उसकी बेस वैल्यू है 214 नैनोमीटर। अब इसमें और क्या आगे दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू लिखी, वो है 5 नैनोमीटर। इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब देखते हैं रिंग रेसिड्यू, तो रिंग रेसिड्यू कितने मिलेगा यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। देखो ये 1, 2 एंड 3, तो अब तीन रिंग रेसिड्यू की वैल्यू भी हमने लिख दी। अब कुछ रहा ही नहीं तो क्या करेंगे, सबका समेशन। तो हमकी कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है 234 नैनोमीटर और ऑब्जर्व वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वो है 235, सो इट इज़ वेरी करेक्ट। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में देखो क्या क्या हमें मिल रहा है। पहले होमोन्यूलर डाइन लेना है, फिर उसके बाद क्या है, डॉट डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, टोटल 4 डबल बॉन्ड है देखिए। तो इसमें से मैंने क्या कहा था, 4 - 2 करो तो 2 मिल गए, और ये सब कॉन्जुगेशन में, तो 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस रिंग के लिए ये रहा, ये रिंग के लिए ये रहा, और ये रिंग के लिए ये रहा, तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। रिंग रेसिड्यू, तो मेन चेन देखो कौन सी है, मैं यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से और यहाँ तक। जब भी मेन चेन डिसाइड करे तो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक ही रिंग रेसिड्यू मेन चेन हमारी होती है। तो 5 वो है रिंग रेसिड्यू, तो टोटल क्या हुआ हमारा, होमो एन्युलर डाइन 253, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वो हुआ 62 है तो 60, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने मिले, 3 मिले, तो 3 × 5 = 15, और रिंग रेसिड्यू हुआ 5 × 5 दैट मीन्स 25। तो टोटल हमारा इस कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो वैल्यू मिल रही है 353 नैनोमीटर। अब जो टॉपिक रिमेनिंग रहे, अब जो रिमेनिंग टॉपिक रहे उसके बारे में बताता हूँ। तो वो हमारे टॉपिक है फिशर कून रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा मैक्स ऑफ हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और दूसरा आएगा वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसमें इनोन्स डाइनोन्स सब आएगा। उसके बाद देखेंगे लैम्बडा मैक्स कैलकुलेशन फॉर एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारे रिमेनिंग टॉपिक है, अगर आप ये टॉपिक देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नए आप विजिटर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्यून विथ अस। बाय बाय।